एनएसजी की टीमों को किस तरीके से तैनात किया गया है, यहाँ आपको ली मेरिडियन होटल के ऊपर सीधे तौर पर दिखा रहे हैं कि एनएसजी के जो कमांडोज हैं, अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर कोई हाईजैक करने की कोशिश करता है तो उस दौरान कैसे एनएसजी के कमांडो रूम इंटरवेंशन के लिए यहाँ पर कार्रवाई करेंगे, वो सीधे तस्वीरें आपको दिखाई पड़ रही हैं। ली मेरिडियन होटल पर यहाँ पर एनएसजी के कमांडोज को पहले उतारा गया, फिर उसके बाद उनको यहाँ से दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस वक्त यहाँ पर G20 के लिए किया जा रहा है। सुरक्षा के कड़े चाक चौबंद इंतजाम हो, इसके लिए पूरी तैयारियां अलग अलग जगहों पर इस वक्त की जा रही हैं। एनएसजी की जो टीमें हैं वो अलग अलग होटल्स में उनको जहां तैनात किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एनएसजी के जो स्नाइपर्स हैं वो ऊंची बिल्डिंग्स पर भी उनको लगाया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एनएसजी की जो टीमें हैं उसका एंटी ड्रोन सिस्टम भी उन तमाम जगहों पर लगाया जा रहा है जहाँ पर किसी भी तरीके से ड्रोन का खतरा अगर होता है और ड्रोन से कोई हमला करने की कोशिश करता है तो वहां पर एंटी ड्रोन सिस्टम लगाया जा रहा है। तो इस तरीके की पूरी तैयारी इस वक्त G20 के लिए लगातार किया जा रहा है, जिससे कोई विदेशी मेहमान अगर यहां पर जो भी आता है उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की चूक ना हो। जो ऊंची ऊंची इमारतें हैं या होटल हैं वहां तक उनको कैसे लाया जाएगा, इसके लिए पूरी तैयारी इस वक्त कर ली गई है। आप देखिए कि जो गाड़ियां हैं जिसमें G20 लिखा हुआ है, उन गाड़ियों को यहां पर लाया गया है और ये रिहर्सल किया जा रहा है कि एयरपोर्ट से जब विदेशी मेहमान उतरेंगे तो उनको होटल तक लाने में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसको लेकर के जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार यहां पर प्रैक्टिस कर रही हैं। प्रैक्टिस का मकसद ये है कि इस तरीके के कदम बढ़ाए जाएँ जिससे भी किसी भी विदेशी मेहमान को किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। जो सुरक्षा है वो मल्टी लेयर सुरक्षा तैयार की गई है, जिसमें एनएसजी के जवान के साथ साथ जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं वो भी मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही जो कारगेट होगा उसमें इस तरीके के एम्बुलेंस भी साथ में चलती रहेंगी और एम्बुलेंस को भी साथ में तैनात किया गया है। सुरक्षा बलों को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो जो विदेशी मेहमान आए उनको एयरपोर्ट से होटल तक जिस तरीके से लाया जाए उसमें किसी भी तरीके से मेहमान नवाजी या फिर उनकी सुरक्षा में किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो। इसके साथ आपको बता दें कि 23 ऐसे महत्वपूर्ण होटल दिल्ली NCR में हैं जिनको कि पूरी तरीके से सुरक्षा के हिसाब से तैयार किया गया है। साथ ही NCR में भी 9 ऐसे होटल हैं जिनको कि विदेशी मेहमानों के लिए सुरक्षा के लिहाज से तैयार किया गया है। मैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं और आपको दिखा रहा हूं पूरी सिचुएशन की किस तरीके से कमांडोज जो हैं वो अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं और उनकी सुरक्षा विदेशी मेहमानों की कैसे होगी। उसके लिए बाकायदे यहाँ कार का जो काफिला है जो उनके साथ चलेगा उसकी पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। ये मकसद ये है कि G20 में किसी भी तरीके से जो चाहे अमेरिका से जो मेहमान आ रहे हैं, इसके अलावा चीन और अन्य देशों से जो मेहमान यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको किसी भी तरीके की दिक्कत ना हो, इस वजह से ये पूरी तैयारी की जा रही है। और ऐसे आप देखिए कि G20 का लोगो भी इन गाड़ियों में लगा हुआ है, पहचान सकें विदेशी मेहमान इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस तरीके की व्यवस्था की गई है। साथ ही जो 300 ऐसे कमांडोज जो अलग अलग जगहों पर तैनात रहेंगे, इसके अलावा 300 बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी मौजूद रहेंगी CRPF की, इनको भी ट्रेनिंग की गई है। तो इस तरीके की पूरी व्यवस्था की जा रही है और होटलों के बाहर इस तरीके की तैयारी की जा रही है। ये सामने जो आप होटल देख रहे हैं वो ली मेरिडियन होटल है जो कि मीडिया सेंटर के जस्ट बगल में है और यहाँ पर स्पेन, नाइजीरिया और तमाम देशों के लोग जो हैं वो रुकेंगे। तो इससे जो विदेशी मेहमान यहाँ पर पहुँचेंगे उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये पूरी तैयारी इस वक्त की जा रही है। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह।